जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित पहुंचे जेएलएन अस्पताल। कोविड 19 के बढ़ते मामलों को लेकर अव्यवस्थाओं का लिया जायजा। अस्पताल प्रशासन व डॉक्टर्स को दिए कई दिशा निर्देश। अजमेर संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान ने ग्राम पंचायत केसरपुरा में चल रहे महात्मा गांधी नरेगा योजना का किया औचक निरीक्षण। तीर्थ नगरी पुष्कर में प्रशासन और नगरपालिका ने सिल्क डैम को बनाया अस्थायी काजी हाउस। बाजार और घाटों में घूमने वाले आवारा जानवरों की धरपकड़ शुरू। बाजारों में चारा बेचने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। अलवरगेट थाना पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखों के साथ रोशनी टेंट हाउस से आरोपी नरेश मोटवानी को किया गिरफ्तार। राज्य सरकार द्वारा पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर लगाई गई है रोक। पंचायती राज चुनाव की रणनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बैठक हुई आयोजित। चुनाव की रणनीति पर किया गया विचार विमर्श। नेहरू नगर मदार में सुरक्षित स्थान तलाश रहे कोबरा से मची दहशत। मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सरप्रक्षक विजय यादव ने सुरक्षित आवास में छोड़ा। राजस्थान में जातिगत आरक्षण का मुद्दा, अशोक गहलोत सरकार के लिए बना गले की फांस। पिछले दिनों गुर्जर समाज ने 11 दिन तक दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक किया था जाम। अब मीना और मीना विवाद के बाद जाटों को आरक्षण देने का मुद्दा गरमाया। गहलोत सरकार की उर्दू विरोधी रवैये की शिकायत कांग्रेस के नेताओं ने प्रभारी महासचिव अजय माकन से की। दरगाह कमेटी के अध्यक्ष पठान ने भी किया समर्थन। राजस्थान सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का लंबी बीमारी के बाद निधन। आज प्रदेश में एक दिवसीय राजकीय शोक। निजी स्कूल संचालकों का जयपुर में 8वें दिन भी आमरण अनशन जारी। सरकार ने अभी तक कोई बातचीत नहीं की। राजस्थान में ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद। फीस वसूली नहीं होने से हालात खराब।